नमस्कार, मैं हूं फिरोज आलम। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। उत्तराखंड में लॉकडाउन खोल दिया गया है। इसी को देखने के लिए हम बाज़ार और मार्केट में चलेंगे कि क्या हालात हैं, जनता सरकार के बताई हुई गाइडलाइन को कितना फॉलो कर रही है, सरकार का कितना सहयोग करेगी। सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं, जनता की भी है। तो चलते हैं हम उन लोगों के बीच में। नाम क्या है आपका? शिखा बहुगुणा। लॉकडाउन जो खुला है, बाजार को देखकर आपको कैसा लग रहा है? अभी पहले जैसा ही लग रहा है, बट अभी ऐसे ही रहा तो शायद फिर से लॉकडाउन लगने के आसार हो सकते हैं, बट फिर भी बेटर है थोड़ा पहले से। बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी। अब जैसे शादी है मेरी, तो मुझे शॉपिंग करनी थी, तो अभी थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसमें क्या नियम आप फॉलो कर रही हैं? हम मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी जब तक बहुत ज़रूरी ना हो बाहर नहीं निकल रहे। चलिए, न्यूज़ वायरस की तरफ से आपको शादी की शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? वीरी सलूजा। इतने दिन बाद जो लॉकडाउन खुला है, जो आप लोग मार्केट में अपनी शॉप खोलकर बैठे हैं, अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, थोड़ा पैसा कमाएंगे, घर अच्छा चलेगा। और जो गाइडलाइन है वो क्या फॉलो कर रहे हैं आप? बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं। जो कस्टमर मास्क लगा के नहीं आ रहे, उन्हें सामान ही नहीं दे रहे, और सामान किसी का भी चेंज नहीं कर रहे, ताकि किसी का पहनावा किसी को ना दे, कोरोना वायरस फैल सकता है एक दूसरे का पहनने से। सर, आपका नाम? जहांगीर रुस्तम। सर, जो इतने दिन बाद मार्केट खुली है, लॉकडाउन जो खुला है, आपको कैसा लग रहा है और क्या आपकी सेल है, क्या जो पहले थी अब क्या है? कुछ भी सेल नहीं आएगी, खाली बैठे हैं सुबह से। लग कैसा रहा है आपको लॉकडाउन खुलने के बाद? लॉकडाउन सही है, पर वैसे दुकान का सहारा होगा, वह दुकान पर बैठना। जैसे लॉकडाउन में घर बैठ रहे थे, ऐसे ही लॉकडाउन में दुकान पर बैठ रहे। क्या नाम है आपका? सर, रोशनी कुमार। बाजार में जो आप मार्केट में घूम रही हैं, लॉकडाउन के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और क्या सरकार ने जो गाइडलाइन दी, क्या नियम फॉलो कर रही हैं आप? नियम ये कि जो सुबह से 6 बजे से 5 बजे तक है, और जो अपना काम है हमें मार्केट का, वो पूरा कर रहे हैं, फिर शाम को। ऐसी क्या मजबूरी है जो आपको बाजार आना पड़ा? बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, मजबूरी तो है क्यों नहीं है। क्या नाम है आपका? अनस। लॉकडाउन जो खुला है, इतने दिन बाद दुकान पर बैठकर कैसा लग रहा है और क्या सेल है आपकी? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और सेल भी कुछ नहीं है। अच्छा क्यों नहीं लग रहा? काम ही नहीं है तो क्या मन कहाँ से लग जाएगा। क्या गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं आप? हम तो पूरी फॉलो कर रहे हैं, सरकार को पूरा फॉलो कर रहे हैं, बट इस टाइम कस्टमर नहीं है। आप खुद देख लीजिए यहाँ पे मार्केट में क्या हो रहा है। जो सरकार ने लॉकडाउन खोला है, उसमें क्या चैलेंज है आपको ट्रैफिक में, और जनता को क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम ये कहेंगे, देखो कुछ अभी कर्फ्यू में थोड़ी छूट मिली है, लेकिन जनता से अपील है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए करें, मास्क लगा के निकलें, और आवश्यक कार्य हो तभी निकलें, अन्यथा अपने घर में ही रहें। कि अभी जो है कोरोना अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए जनता से अपील है हमारी ट्रैफिक वालों की, जब आवश्यक कार्य हो तभी निकलें, अन्यथा घर से ना निकलें। अपनी सेफ्टी रखें, मास्क लगा के रखें, और सोशल डिस्टेंस का प्रयोग पालन करते हुए घर से बाहर निकलें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रिचा नेगी। सरकार ने जो गाइडलाइन दी है लॉकडाउन में जो खोला है, उसमें आप क्या नियम पूरा कर रही हैं? एक्चुअली देखो, सब अपना तो प्रिकॉशन ले रहे, मास्क पहन ही रहे, सैनिटाइजर भी यूज़ कर रहे हैं, तो गाइडलाइंस तो हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे क्राउड एरिया में एकदम नहीं खड़े हो रहे हैं, बट थोड़ा डिस्टेंस बना के चल रहे हैं हम। ऐसी क्या मजबूरी रही कि आप इस बाज़ार में आने को मजबूर हो गए? एक्चुअली हमें जो सामान था, जो रेगुलर यूज़ के सामान है, वो एक्चुअली ख़त्म हो गए थे। उसके लिए तो हमें सामान के लिए आना ही पड़ेगा ना। कपड़े उपड़े हो गए, किस ज़माने से नहीं खरीदे, 2-3 महीने हो गए थे, तो वो भी एक नेसेसिटी है कपड़े भी, उसे भी लेना ज़रूरी है। इस मारे तो अब हमें भी सोच समझ के हम बाज़ार में आए, वरना हम भी नहीं आते। मेरा नाम कमल। इतने दिन बाद लॉकडाउन खुला है और आप बाज़ार आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन बंद हो गए थे घर में, बहुत बेकार हो रहे थे घर में बैठे। सरकार ने जो गाइडलाइन दी हैं, उस पर क्या आप फॉलो कर रही हैं? कर रहे हैं भैया, लगा रहे हैं, सैनिटाइज भी कर रहे हैं,
अपनी तीन वो बोला है जो करें वो ठीक है। सर अनलॉक की जो प्रक्रिया है इसमें समस्त व्यापारी लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा और हमारे माननीय सुबोध उनियाल जी, माननीय गणेश जोशी जी, इन्होंने व्यापारी में काफ़ी हमारी सहायता करी है और अनलॉक खुलवाया, जिससे अनलॉक खुलने से व्यापारियों को काफ़ी हद तक राहत मिली है। इन्होंने सुबह 8 बजे शाम को 5 बजे तक का पहले 4 दिन का टाइम रखा था, अब 5 दिन का टाइम करा है। मैं उनका आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आगे आने वाला जो दिवाली का सीज़न है वो भी खतरे पे है, क्योंकि सरकार द्वारा तीसरी लहर के बारे में बताया जा रहा है, इससे समस्त व्यापारी भयभीत हैं। बहुत बिजनेस अभी डाउन है और आने वाले 6 महीने भी, और ये बिजनेस अभी उठता नहीं, ठीक है ना। मतलब सरकार जो है दुकानदारों के लिए कुछ नहीं सोच रही, सिर्फ जो है वो जरा गरीब आदमी है उनको फ्री राशन और ये, ठीक है ना। ना दुकानदारों के लिए GST में छूट, ना इनकम टैक्स में छूट है, ना किसी चीज़ में छूट है, ठीक है जी। अब डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, उसकी वजह से सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो इसमें आम पब्लिक जो है वो लॉस में है। पहले तो काफ़ी अच्छा है, हमारी दुकान पर भीड़ भाड़ भी ठीक है, आज बड़ा अच्छा काम है आज। बाकी धीरे धीरे देखो जी कैसा चलता है, 5 दिन खुलेगा शुक्रवार तक, बाकी टाइम पीरियड थोड़ा सा और 2 घंटे बढ़ाना चाहिए था, हमें 7 बजे तक का करना चाहिए था। हमने आप लोगों को दिखाया शहर के हालात क्या हैं, बाज़ार के हालात क्या हैं, क्या है ट्रैफिक व्यवस्था। हम निवेदन करेंगे कि कोरोना के अंदर जनता पूरा सहयोग करे सरकार का, ज़रूरी नहीं कि सरकारी सब कुछ करेगी। हम फिर निवेदन करते हैं किसी ज़रूरी काम से ही, जब कोई ज़्यादा ज़रूरी काम हो, जब भी हम आप लोग घर से बाहर निकलें। अब मुझे और मेरे कैमरामैन इमरान को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।